नमस्कार दोस्तों, मैकपाई में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक चंदन आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूं, आज एक नया कार्यक्रम लेके, नया एपिसोड लेके। इसमें हम देखेंगे कि मैकपाई फरवरी 2022 एडिशन को हम रिलीज करेंगे और जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनके साथ साक्षात्कार पेश करेंगे। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, मिसेस गीता खन्ना, जो कि एविएशन कंपनी फ्लाइंग कैरियर की डायरेक्टर हैं और मिसेस थाने 2021 की विनर हैं। गीता जी नमस्ते, आपका नमस्ते। मैकपाई में बहुत बहुत स्वागत है। गीता थैंक यू वेरी मच। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ साथ हुए हैं मैकपाई कर जो फरवरी एडिशन है 2022 का, उसको आपके द्वारा रिलीज करने के लिए, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मैकपाई का जो कवर पेज है उसको दिखाते हुए फरवरी एडिशन को रिलीज करें। एडिटर इन चीफ के एडिटोरियल पन्ने पर एक निगाह पड़ी। दो पॉइंट्स आई कैचिंग थे। पहला, हैप्पीनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। डिजाइनर वर्ल्ड के एस्पायरेंट्स को मेरा एडवाइस है कि आप अपने हर एक्टिविटी में आनंद महसूस करें। गीता जी थैंक यू सो मच मैगजीन रिलीज करने के लिए फरवरी एडिशन हमारा। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूंगा, द आइडिया टू स्टार्ट ए फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, ये कैसे आइडिया आपके माइंड में आया? क्या आपके ये चाइल्डहुड ड्रीम था या कुछ मिशन था या कुछ आपका, कैसे ये कैरियर इस तरफ कैसे आपका डाइवर्ट हुआ? एक्सीडेंट तो मैं नहीं कहूंगी। एक्चुअली मैं ये बहुत पहले से करना चाहती थी। इट वाज माय पैशन टू स्टार्ट माय ओन फ्लाइंग एकेडमी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, ये इतना सरल नहीं था। मैं कहूंगी ये शुरुआत तब हुई जब मैं बहुत यंग थी और मैं कैबिन क्रू बनना चाहती थी। उस टाइम पर इतने इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे जो हमारी हेल्प करते, हमें ग्रूम करते या हमारी पर्सनालिटी को बेटर करते, हमारी इंग्लिश जी बेटर करते। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन मैं ये जिद थी कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। और मैंने कई तरीकों से, अपनी तरीकों से, लोगों से जाकर मिलकर इस कला को सीखा। और मैं उस टाइम की सबसे प्रीमियम एयरलाइन जेट एयरवेज के लिए सेलेक्ट हुई और मैंने कैबिन क्रू बन वहां पर काम किया। 25 ईयर्स तक मैं उनके साथ में थी। फिर ओके, दैट्स वेरी नाइस। जेट एयरवेज फॉर 25 ईयर्स। आफ्टर दैट व्हेन जेट एयरवेज वाज क्लोज्ड, आई मूव्ड माई करियर अहेड। आई गॉट इनटू ट्रेनिंग। आई वॉज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेड फॉर अनदर एविएशन अकेडमी। और तब मैंने ये सोचा कि मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जिसमें मैं अपना सारा एक्सपीरियंस बच्चों तक पहुंचाऊं और जी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड ऑल दोस पीपल जिनको असिस्टेंस चाहिए उनके लिए मैं कुछ करूं। सो दैट वाज द मेन रीजन व्हाई आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन, द कोर्स व्हिच आई हैव डिजाइंड फॉर एवरीवन। सो ये शुरुआत बहुत पहले से थी, लेकिन मैं कहती हूँ ऊपर वाले के आशीर्वाद से अब ये सफल हुआ है और अब मैं अपनी फ्लाइंग एविएशन एकेडमी की डायरेक्टर। दैट्स वेरी नाइस, गुड। थैंक यू। तो इसमें आप थोड़ा सा डिटेल्स में हमारे दर्शकों को ब्रीफ करेंगे कि कैसे आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे स्टूडेंट्स और जो भी क्रू मेंबर्स होते हैं उनको कैसे ग्रूम अप करता है? श्योर, हमारे पास काफी टॉपिक्स होते हैं जिससे हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। सो जी केबिन क्रू का एक्चुअली काम, सिर्फ बहुत लोगों को पता भी नहीं है एविएशन इंडस्ट्री के बारे में कि उन्हें लगता है केबिन क्रू का काम है खाना सर्व करना पैसेंजर्स को। बट ऐसा नहीं है। केबिन क्रू का एक्चुअल काम होता है दे आर देयर फॉर द कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई केबिन क्रू आर ऑन बोर्ड। सो हम यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको सबसे पहले उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए उनको ग्रूम करते हैं कि किस तरह से आप कस्टमर्स को हैंडल करेंगे, पैसेंजर्स से किस तरह से बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उसके बाद ग्रूमिंग, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लास्ट इम्प्रेशन, सो दैट्स नहीं। ग्रूमिंग इज वॉट वी वर्क अलॉट ऑन। इसके बाद हम इन फ्लाइट से रिलेटेड हर एक टॉपिक को कवर करते हैं कि कैबिन क्रू का एक्चुअल वर्क क्या है, कितनी इमरजेंसीज हैं जो वो हैंडल करते हैं।
अगर बाय चांस एयरक्राफ्ट में आग लग जाती है तो वो उसे बुझाते भी है, दे आर फायर फाइटर्स. अगर कोई बीमार हो जाता है दे आर फर्स्ट एडर्स. ओके एंड डेफिनेटली सर्विस पर्सनल तो वो है. सो ये बहुत सारे रोल्स हैं जो कैबिन क्रू प्ले करते हैं और ये हर एक रोल के लिए हम कैबिन क्रू को स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो एक अच्छी से अच्छी एयरलाइन में रिक्रूट हो सके. सो ऑल दीस पॉइंट्स. आप ये फ्लाइंग कैरियर कब से इसका कब आपने स्टार्ट किया था इसको? दिस इज वेरी रीसेंट. मेरा एक्सपीरियंस 1996 से स्टार्ट होता है जब मैंने जेटेरिस को ज्वाइन किया था. लेकिन मेरा इंस्टीट्यूट इट्स जस्ट वन ईयर नाउ. इट्स बीन ओनली वन ईयर दैट आई एम हेडिंग दिस इंस्टीट्यूट. सो एक साल हुआ है बस. लेकिन ऑलरेडी आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कोर्स नहीं भी कर सकते हैं. आई ट्राई माई बेस्ट to help them in any other way. Like we have small sessions, workshops करती हूँ मैं बहुत सारे, webinars करती हूँ, seminars करती हूँ और जितनी ज़्यादा students तक मैं पहुँच पाऊँ बस यही मेरा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा students तक ये aviation industry के बारे में उनको बता पाऊँ. Okay, गीता जी, how you feel as a entrepreneur of a aviation company? It is a dream come true. अगर आप कुछ सोचते हैं तो आप उसको पा सकते हैं और मैं उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ. सो यू नो योर ड्रीम, यस यू हैव टू ड्रीम समथिंग. आपकी जिंदगी की भी अगर कोई गोल नहीं है, आप कुछ ड्रीम नहीं करते तो आप उसे कभी भी अचीव नहीं कर सकते हो. इसलिए मैंने मेरे दिमाग में ये गोल था और मुझे थोड़ा वक्त लगा, इतना आसान नहीं है, मुझे वक्त काफी लग गया. लेकिन आज आई एम वेरी प्राउड टू से दैट इट्स माय बेबी एंड आई हैव क्रिएटेड दिस एंटायर इंस्टीट्यूट. सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट द सेम. दैट्स ग्रेट गीता जी. और वक्त तो लगता ही है. हमने कहावत भी सुनी है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. तो ये टाइम तो बिल्कुल लगता है किसी भी चीज को स्टार्ट करके उसको एक लेवल तक ले जाने में और उसको डेवलप कराने में. एंड वेरी थैंकफुल टू यू कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ कर रही हैं और अपना कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें मैगपाई को भी आपने दिया. गीता जी, हाउ डू यू सी एंड कोरिलेट द इंडियन ट्रेडिशनल वियर विद दैट ऑफ वेस्टर्न वियर इन फ्लाइंग इंस्टीट्यूशन और इन एविएशन फील्ड? क्रू मेंबर्स के लिए जो अलग अलग ड्रेस यूनिफॉर्म होते हैं, उसको फैशन का जमाना है, तो कैसे हमने पहले के फैशन भी देखे, अभी करंट सिनेरियो भी हम देख रहे हैं और फैशन का जो वर्ल्ड है वो रेगुलरली बहुत ही जल्दी जल्दी रेगुलर इंटरवल पे वो चेंज होता है. कल कुछ और था, आज कुछ और हम देख रहे हैं और ट्रेंड जो ये चलता है वो बहुत ही फास्ट ट्रेवल करता है. तो इसको आप कैसे कोरिलेट करती हैं फैशन को और इसके जो यूनिफॉर्म होते हैं उसको कैसे देखते हैं कि ट्रेडिशनल वियर और वेस्टर्न वियर दोनों को हम मिक्स करके फ्यूजन करके कैसे हम इसको एक ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म में ला सकते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू आस्क्ड मी. और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या प्रिफर करती हैं, लाइक यू नो वुड यू प्रिफर एन इंजन वेयर फॉर अ कैबिन क्रू और वुड यू प्रिफर वेस्टर्न वेयर फॉर अ कैबिन क्रू. I'm a big fan of Indian wear. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं Indian wear नहीं पहनती हूँ. मैं suits पहनती हूँ, मैं साड़ी पहनती हूँ. I wear everything, all Indian attire. But अगर आप मुझसे मेरा personal view मांगेंगे, again it's my opinion, I would not like to generalize it. मेरे हिसाब से cabin crew का uniform ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही comfortable हो. Because जैसे मैंने आपको बताया कि cabin crew सिर्फ service के लिए नहीं होते हैं. अगर एक इमरजेंसी हो जाती है तो 90 सेकेंड्स में हमें सारे पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट से बाहर निकालना होता है. तो उसके लिए हमारा जो ड्रेस कोड है वो बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए. इतने सारे पैसेंजर्स हैं और इतनी बार कैबिन क्रू नीचे झुकता है ट्रेस निकालने के लिए, उनको ऊपर रखते हैं. सो इट्स इफ आई एम वेरिंग अ वेरी डिफिकल्ट अटायर, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू द एंटायर सर्विस. So, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद एन इंजन सॉरी आई एम सॉरी विद अ वेस्टर्न वेयर. ओके सो वेस्टर्न वेयर इज मच मोर कंफर्टेबल टू वर्क इन. अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट द इंजन वेयर, आई लव इंजन वेयर, आई वुड लाइक टू से अगेन, बट इन अ वेस्टर्न वेयर
we are very, very comfortable because we have shirts and skirts or we have trousers. And in the aircraft, you're very free then to work with. Hume bags ko help karna hota hai, passengers ko help karna hota hai. So in Indian wear, it gets a little difficult, I would say, to manage. So mere hisab se agar aap puchhenge to Western outfit would be much better for cabin crew. Thank you so much for your advice like this. रेत के समंदर पर भी छोड़ जा अपने पैरों के निशान. मैं आचार्य डॉक्टर परमानंद पांडे जी की लाइनें पुनः कोट कर रहा हूं. रेत के समंदर पर भी छोड़ जा अपने पैरों के निशान. गीता जी, अब मैं एक प्रश्न आपसे लूंगा. क्या कभी आपके मन में भी ये ख्याल आया कि एक इम्प्रिंट आप भी छोड़ जाए और आपका जो ये गोल है एविएशन का, उसके जरिए आप कैसे इसको बताना चाहेंगे? और हमारे जो खास करके मैगपाई के एस्पिरेंट्स हैं, जो डिजाइनर्स हैं, इमर्जिंग डिजाइनर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, न्यू मॉडल्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फ्यूचर कैरियर के रिलेटेड उनके? सी, आई बिलीव दैट मेरा ये ख्वाब था और मैंने उसे पूरा किया. जो भी करो दिल से करो. ओके, और मैगपाई के सभी लोगों से मुझे ये बात पहुंचानी है कि आप जो भी काम करते हैं अपना दिल लगा के करें. गिव योर बेस्ट. ओके, एंड ऑलवेज थिंक दैट यू आर द बेस्ट. यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट. सबसे पहले हमें अपने आप पर विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम अपने आप पर बिलीव नहीं करेंगे तो कोई हम पर बिलीव नहीं करेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट. You love yourself first. I love myself. मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ. So every morning I get up in the morning. पहले मैं अपने भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ उठते ही. That has given me a life and a beautiful life. लेकिन उसके बाद definitely I go to the mirror. I look at the mirror and I say, wow, it's going to be a beautiful day and I'm the best. That's great. And I can do. I have to create something nice today. I have to bring a smile on somebody's face today. So, जब मैं इन थॉट्स से सुबह उठती हूँ तो माई एंटायर डे इज गो वेरी वेल. सो मैं यही कहना चाहती हूँ अपने सभी दर्शकों से जो भी मुझे इस टाइम देख रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि हमारे बस का नहीं है. मैं भी बहुत छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था. मैं आसमान में सिर्फ देखती थी कि क्या मैं भी कभी उड़ूंगी, मैं भी ऐसे उड़ पाऊंगी जैसे ये हवाई जहाज है, क्या मैं भी कभी ऐसे कर पाऊंगी. तो मैं बहुत सोचती थी, लेकिन उस सोच पर मैंने काम करना स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स माय गोल. अगर मैं घर बैठे बैठे सिर्फ सोचती तो मैं कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचती. मैंने कहते हैं ना, लेट योर ड्रीम्स टेक द फ्लाइट. ओके, सो योर ड्रीम्स शुड टेक द फ्लाइट एंड देन डेफिनेटली आप अपनी गोल की तरफ जरूर पहुंचेंगे. आप अगर आप चाहेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता. रोक नहीं सकता. हाँ जी, हाँ जी. गीता जी, आप 2021 में मिसेस थाने भी रह चुकी हैं. आप विनर थी. तो थोड़ा सा हमारे जो डिजाइनर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आप ब्रीफ करेंगे, कैसा वो आपका उस समय का कैसा टाइम था, कैसे आपने उसको अचीव किया और उसको जीतने के बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी? डेफिनेटली, एक्चुअली ये स्टोरी ये मेरे विश लिस्ट में था कि मुझे एक पेजेंट जीतना है. ये मैंने एक विश लिस्ट में था एंड काफी टाइम तक मैं अपने करियर में बहुत बिजी रही. बिकॉज जब आप फ्लाई करते हैं तो आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप पेजेंट्स के लिए टाइम दे सकें. जब मैं ट्रेनिंग में आई तो मेरा सबसे पहला गोल था कि मुझे एक पेजेंट में जरूर पार्टिसिपेट करना है और मेरी विश लिस्ट में जो है उसको एक टिक करना है. तो मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया. मुझे जैसे ही ये पता चला कि टैग 2021 मिसेस थाने आया है, मैंने उसे अप्लाई किया और मैं वहां रेगुलरली जाने लग गई. मैंने रियलाइज किया कि मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है. ओके, आई नीड टू रिड्यूस अ लिटिल वेट. सो आई हैड टू रिड्यूस 4-5 kgs और वक्त थोड़ा था और मुझे ये रिड्यूस करना था. लेकिन बिकॉज मेरा ये गोल मेरे सामने था तो मैंने क्या किया, जो एक छोटा सा टियारा होता है मैंने वो बाय किया और मैं जिम जाती थी, वो टियारा को सामने रखती थी और जब भी मैं थक जाती थी मैं उस टियारा को देखती थी और बोलती थी कि अगर मुझे क्राउन चाहिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी. रनिंग अगेन, यस. तो वो मैं अपने गोल को अपने सामने रखती थी हमेशा.
एंड जैसे ही मैंने किया, अपने डाइट पर कंट्रोल किया, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, वर्कआउट स्टार्ट किए, ऑटोमेटिकली आई लॉस्ट नॉट 4 kgs बट आई लॉस्ट मोर देन 4 kgs, आई लॉस्ट 7-8 kgs. एंड वो वक्त भी मेरे लिए बहुत टफ था बिकॉज पूरा पेजेंट की तैयारी तो मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी, लेकिन पेजेंट से 3-4 दिन पहले मुझे मेरे बैक में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन आ गया था, बैक पेन हो गया था. और मुझे एक वक्त ऐसा लगा कि नहीं है, मैं नहीं कर सकूंगी, आई डोंट थिंक सो के ये इतना आसान होगा मेरे लिए, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं स्टेज पर कैसे जाऊंगी. लेकिन मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट आई हैव लवली फैमिली. उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एंड दे सेड नो यू कैन डू इट, यू नो यू कैन डू इट. फिर मैंने अपनी मेडिकेशंस वगैरह की और जिस दिन मैं स्टेज पर, जिस दिन मेरा फिनाले था, माय मदर वाज शॉक्ड टू सी मी दैट इज शी द सेम वन हु हैड सो मच ऑफ पेन लास्ट नाइट, हाउ इज शी ऑन द स्टेज. लेकिन ये मैं कहूंगी मेरे लिए गॉड गिफ्ट है या आई डोंट नो, मैं जैसे ही स्टेज पर पहुंचती हूँ या जैसे ही मैं फ्लाइट के लिए जाती थी, मैं सब कुछ और भूल जाती हूँ. मेरा फोकस सिर्फ वही, दैट वाज योर डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट क्राउन. यस, तो मेरा फोकस था उस क्राउन पर दैट यस, ये क्राउन मुझे पहनना है. एंड देन आई वाज अ प्राउड विनर ऑफ मिसेस ताने टैग 2021. And that's very nice, and that's great for you, and this is for your. Thank you very much. Geeta ji, thank you so much for giving your valuable time to Magpie. My pleasure. Thank you. मैं एक चीज कह सकती हूँ? Definitely. मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी that your dreams should be bigger than your fears. डर के आगे ही जीत है. So, आप अगर आप कुछ ड्रीम करते हैं, बिल्कुल मत डरिए और बस उसकी तरफ जाते रहिए, जरूर आपको सक्सेस मिलेगी. थैंक यू, वेरी नाइस. दोस्तों, तो आज हमने देखा कि गीता जी का लाइफ और उनका करियर कैसे हाई लेवल गया. इससे हमें भी मोटिवेट होना है और हमें भी अपना गोल सेट करना है, डेडिकेशन रखना है, एनर्जी लेवल हाई रखना है और अपना जो हमारा टारगेट जो हम सेट करते हैं उस पर फोकस करते हुए बस उसके भी सामने चलते रहना है. ठीक है, तो मैगपाई का एडिशन फरवरी आ चुका है, आप हमारे लिंक्स पे देख सकते हैं. चलते चलते दोस्तों, ये कहना चाहूंगा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना कोविड जो है अभी चल रहा है और ये अभी गया नहीं है, तो हमें सावधानी बरतने की जरूरत है. भीड़ भाड़े इलाके में जाने की जरूरत नहीं है, उस भीड़ भाड़ लगाने से बचें और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग तो अति अनिवार्य है. आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं. धन्यवाद.